نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها योमजीन तोहदिस अखबारहादीन सारी अल्लाह तारीफेंब्जत की के लिए जो सारे जहानों का मालिकी पालन हार और परवरदिगार है दरूद प्यारे नबी हज़रत मोहमद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम पर महतरम नाजरीन कराम मैं इस मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब का शुक्र बजा लाता हूँ उसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है फिर इसके साथ साथ मैं इस बात पर भी अल्लाह रब का शुक्र बजा लाता हूँ जहाँ उसने हमें ज़िंदगी की मोहलत अता फरमाई वहीं दीन का सही शोर और फहम अता किया और माह रमज़ान मुबारक के पाने की उसने हमें तोफी बख्शी है मैं अल्लाह तबारक ताली से इस बात की भी दुआ करता हूँ अल्लाह रब माह रमज़ान मुबारक के हमारी इन इबादतों को कबूलियत अता फरमाए और बाकी जो अयाम बाकी रह गए हैं इन अगयाम में भी हमें इबादतों में मुनहमिक रहने की तौफिक अता फरमाए इसके साथ साथ मैं इस बात पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि हमारे दरमियान में जो रफ़क़ा इस दरमियान में रब हकीकी की तरफ कूच कर गए हैं अल्लाह तबारक तआला उन्हें उनके उनकी जिंदगियों को जो कुछ भी उन्होंने क़ामती दीन के लगाए के लिए लगाया है शेर पर कबूलियत अता फ़रमाएँ और करवट करवट उन्हें जन्त दता फरमाए जो लोग बीमार हैं अल्लाह तबारक तौत आजिला फरमाए हाजिर महतरम मनाजर क़ियामत से मुतल हकीम की जो आयत इस मौके पर मैंने पढ़ी है ये सुरजाल की आयात है एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने बात इशात फरमाई अगर तुम मनाजर क़ियामत को अपनी आँखों से देखना चाहो तीन सूरतों का मुताल करो आपने फरमाया एक तो सूर इतार है दूसरे सूर इंशाक है और तीसरे सूर तकबीर है इन तीनों सूरतों का अगर हम मतलब करें तो क़ियामत के दिन पेश आने वाले वाक्यात को अल्लाह तबारक तला ने बड़ी तफसील के साथ इन सूरतों के अंदर बयान फरमाया है फिर इसके साथ साथ अभी जो सूरत की आयतें पढ़ी गई सूर जल्दाल है और सूर्य खारिया है इन सूरतों में भी अल्लाह रब्ल्ज़त ने आखिरत के दिन पेश आने वाले हालात का तस्करा क्या है हजरात गिरामी अल्लाह इज़्ज़त का इर्शाद गिरामी है पूरी व ताकत के साथ हिला डाली जाएगी इस पूरे कुर्र अर्ज़ के अंदर व ताकत के साथ जलजले बपा होंगे मैं और आप अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ हैं जब से ये दुनिया वजूद में आई है हज़रत आदमसम से लेकर के आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे कुर्रे अर्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कभी एक लम्हे या चंद सेकंडों के लिए जल्दलाया कहीं कहीं किसी मुल्क के अंदर किसी शहर के अंदर अगर कोई चंद सेकंडों के लिए जल्द आता है हम जानते हैं कि कितनी तबाही मस्ती है ऊंची ऊंची इमारतें जमीन बोस हो जाती है इंसान अपनी जानों को बचाने के लिए एक दूसरे को छोड़ करके भागते हैं अल्लाह तबारक रोजियामत का मंजर पेश करते हुए बात फरमा रहा है कि उस दिन ये पूरी जमीन ताकत के साथ हिला डाली और ताकत के साथ पूरी जमीन के अंदर जलजले बपा होंगे फिर एक जगह ये बात फरमाई गई मतरा बैजल कवा की मंतसर वैजल बिहार वुजरात ये आसमान जो हमारे सरों के ऊपर साकित नजर आ रहा है तो 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 त। त। इस आसमान के अंदर दरारें पड़ जाएंगे वैजल बिहार वज और फिर समंदर फाड़ दिए जाएंगे और फिर हम देखते हैं कि इस आसमान के ऊपर जो तारे हैं वो बिखर जाएंगे अब गौर कीजिए कि ये जो निज़ाम अल्लाह इज़्ज़त ने बना रखा है ये पूरा तितर बितर हो जाएगा कुरान हकीम सुरखारिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात की यूँ बयान फरमाया अलखारिया तो मलखारिया वमा अदरा का मलखारिया यौम यकून नास कल फराशिल मफसूस व तकून जबाल कल हिनिल मनफूश अजीम हादसा तुम क्या जानो कि अज़ीम हादसा क्या है उस रोज इंसान परवानों की तरह बेवकत होंगे और फिर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ रुई की मानी उड़ रहे होंगे हजरा जरा गौर कीजिए जिस ज़मीन के ऊपर मैं और आप बड़े आराम की चैन की और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं आज का अगर कोई साइंसदान ये पेशन गोई कर दे और कह दे कि यहाँ पर जल्दा आने वाला है या तूफान आने वाला है तो हम देखते हैं कि चंद मिनटों के अंदर चंद घंटों के अंदर ऐलान किया जाता है और लोग महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं दुनिया का एक साइंसदान बर मौक़ों पर उनकी पेशान गोयाँ गलत भी साबित हुई हैं लेकिन इंसान अपनी जान की खातिर अपनी जान को बचाने की खातिर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाता है और अपनी जान को महफूज रखना चाहता है हर किस्म की तकलीफ से अपने आप को बचाता है खुदा की कसम अल्लाह तबारक तारा ने कुरान कीम के अंदर ये बात बहुत ही वाज पर फ़रमाई जिसके ऊपर मेरा और आपका ही मान है आने वाला है और यह जलजिला ऐसा होगा जो सारी दुनिया को तबाह राज कर करके कर रख देगा और ये जलजिला पूरी ताकत के साथ आएगा और इस समंदरों के अंदर आग भड़का दी जाएगी आज का साइंस का तालब इल ये बात से वाकिफ है वो जानता है कि ज़मीन सिर्फ पच्चीस फीसद हिस्से ही के ऊपर है जिसके ऊपर इंसान है जानदार हैं सारी मखलूक़ात हैं ज़मीन का पचहत्तर फ़ीसद हिस्सा वो है जिसके ऊपर समंदर महित हैं और कुरान कह रहा है कि पचहत्तर फीसद हिस्से के उपर, के अंदर आग भड़का दी जाएगी और ये ज़मीन के हिस्से के अंदर पूरी क़वत और ताकत के साथ जल्जले बफा होंगे और आसमान के अंदर दरारे पड़ जाएँगी तारे बिखर जाएंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ रुई की तरह उड़ रहे होंगे लोगों गौर तो करो उस दिन की हम क्या तैयारी कर रहे हैं कुरान पर ईमान लाने वाले कुरान का मुताला करने वाले रात और दिन आयतों का दर्श देने वाले क्या कभी हमने सोचा भी है उन आने वाले इन हालात से अपने आप को बचाने के लिए वो कौन से अमाल हम अख्तियार कर रहे हैं जबकि कुरानकीम ने बहुत ही वाज तौर पर यह बात इर्शाद फरमाई सारी इंसानियत खसारे में है नुकसान में है घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल साल इख्तियार किया और अल्लाह तबारक तला के इस दिन को लोगों तक पहुँचाने की सही और जद्दहद की मतवास बिलह हक़ की तलसीम किए और इस रास्ते में आने वाली आजमाइशों पर सब्र किए कहता है कि उस दिन अल्लाह तबारक इन ही लोगों को बचा लेगा जो ईमान ला करके लोगों को अल्लाह तबारक के दीन की दावत देते हैं और इस रास्ते में आने वाली आजमाइशों पर सब्र करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्लाम ने एक मौके पर हजरत आयशा रजी अल्लाह तबाद और माई आयशा रोजकियामत सारी इंसानियत मैदान में बरहना खड़े की जाएंगी अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हजरत आयशा ने घबरा करके कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम क्या खवातीन भी बरहना होंगी नबी अकरम सल्लम ने फरमाया हाँ आयशा उस रोज खवातीन भी बरहना होंगी लेकिन नफ़सा नफसी की कैफियत ये होगी कि कोई शख्स किसी पर एक निगाह डाल करके नहीं देखेगा हर आदमी एक दूसरे से भागेगा हर आदमी यह चाहेगा कि अल्लाह तबारक आज उसे बचा ले। ने इस मंजर को पेश किया उस दिन जब कान फाड़ देने वाली आवाज बुलंद होगी आदमी अपने भाई से अपनी माँ से अपने बाप से अपनी बीवी से और अपनी अपनी औलाद से भागेगा उस रोज किसी को किसी की फिक्र नहीं होगी नफसा नफसी का मंजर पेश कर रहा है बल्कि आगे अल्लाह तबारक तला ने यह बात भी फरमाई रोज क्यामत अल्लाह तबारक तला की अदालत में एक बंदा ठहर खड़ा होगा और अल्लाह तबारक से सर्ज करेगा या अल्लाह ये मेरे बेटे हैं या अल्लाह ये, है। अल्ला ये मेरे बाप हैं या अल्लाह ये मेरे भाई हैं या अल्लाह ये मेरी बीवी हैं ये मेरे रिश्तेदार हैं इन सबको ले ले इसके बदले में मेरी नफ़िरत कर दे इसलिए कि इनकी दुनिया बनाने की खातिर मैंने अपनी आखिरत को तबाह व ताराज किया हजरा जरा गौर कीजिए अल्लाह इज़्ज़त आज हमें जिंदगी की मोहल्लत दे रखा है सेहत और तंदरुस्ती अता किया है और फिर मुबारक जैसे बाबरकत का हमें अता फरमाया है जितना अल्लाह रब्ज़त का हम शुक्र बजा लाए कम है जहाँ हम अपनी जबानों से अल्लाह तबारक का शुक्र बजा है वही अमल के जरिए से अल्लाह तबारक की बताई हुई बातों पर अमल करना ये दरअसल अमल ही शुक्र है अभी मौलाना मोहतरम ने पुरानी हकीम के दर्श में यही बात इर्शाद फरमाई अमल दरअसल अल्लाह तबारक की रजा के लिए लाजमी और जरूरी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाजर क्यामत का नक्शा खींचते हुए एक मौके पर यह बात इर्शाद फरमाई लोगों ये सूरज जो आज करोड़ों मील तुम्हें नजर आ रहा है रोज की अहमद अल्लाह तबारा इस सूरज को इंसानों के सरों के ऊपर ला करके खड़ा कर देंगे आज माह रमजानबार यहाँ में माह मे की सख्त तरीन गर्मी के अंदर दिन के अवकात में हम बाहर नहीं निकलते इसलिए कि मौसम बड़ा सख्त है धूप बड़ी शिद्दत की है मसाजिद के अंदर घरों के अंदर हम एयर कूलर और ए सी लगाए हैं और सब चाहते हैं कि आराम के साथ इन रोजों की तकमील करें भाइयों गौर तो करो उस वक्त क्या मामला होगा जबकि इंसानों के सरों के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इस सूरज की गर्मी और शिद्दत के नतीजे में ये जमीन तांबे की माने सुर्ख हो जाए और पुरानी हकीम ने बात इरशाद फरमाई मैदान हशर का एक दिन आज के पचास हजार सालों के बराबर एक दिन होगा अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं जब इंसान सारे इंसान मैदान हशर में खड़े होंगे हर इंसान जान जाएगा कि आज उसके साथ क्या मामला होगा क्या होने वाला है जिंदगी के सारे वाकयात उसकी निगाहों के सामने आते जाएंगे और वो अपनी जिंदगी के उन सारे लम्हात को याद करेगा और परेशान होगा जो इस दुनिया में जिस कदर मनमानी करके जिंदगी गुजारा होगा जो जिस कदर गुनाहों के अंदर मुबला होगा उस रोज वो उतना ही परेशान होगा अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोग मैदान हशर में खड़े हैं किसी के टखने बराबर पसीना है किसी के घुटने बराबर पसीना है किसी के सीने बराबर पसीना है और कितने ही लोग ऐसे होंगे जो खुद अपने पसीने के अंदर गोते लगा रहे होंगे ऐसे मौके पर अल्लाह तबरक से अर्ज करेंगे या अल्लाह तू मुझे जहन्नम में डालना चाहता है तो जहन्नम में डाल दे ये मैदान है की ये गर्मी और इस सख्ती से मुझे निकाल साल हर साल गुजर गए हैं हिसाब किताब के लिए ठहरा हुआ हूं अभी मौका नहीं आता ये गर्मी और ये प्यास की शिद्दत ये भूख का मामला फैसला कर दे और जहन्नुम में डालने का फैसला अगर तूने कर लिया है तो तू मुझे जहन्नुम में डाल दे साल हा साल से ठहरा हूँ हिसाब किताब के इंतजार में भाइयो जरा गौर तो करो मैदान ने की उस गर्मी और सख्ती से कहीं ज्यादा शदीद तरीन जहन का अजाब होगा लोग उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अल्लाह कहेंगे कि अल्लाह फैसला कर दे और जहन्नुम में डाल हकीम ने आगे बात इकशात फरमायी वह अखरजती अर्दो अस्खा रहा और जमीन अपने अंदर के बोझ निकाल करके बाहर डाल देगी इस जमीन के अंदर जितने इंसान बदफून हुए हैं या जिन इंसानों को जला दिया गया है या जिन इंसानों को पानी में बहा दिया गया है तो रोज मशह तबार के हुम से वह अखरजतिल अर्दो अस्खा रहा सारे इंसान इस जमीन के ऊपर उठा दिए जाए बल्कि मुफसरीन ये बात बताते हैं कि न सिर्फ इंसान इस जमीन से निकलेंगे बल्कि इस जमीन के अंदर जितनी मदानियात हैं जितना सोना और चांदी है जितने जवाहरात हैं वो सारी चीजें जमीन अपने अंदर से उगेर देगी इंसान मैदान हशर में खड़ा होगा उसकी निगाहों के सामने सोने और चांदी के अंबार होंगे धन दौलत के अंबार होंगे अल्लाह तबारा तआला अर्ज जा जा करके इसे हासिल कर यह है सोना यह है चांदी यह है धन दौलत जिसे हासिल करने के लिए तो रात और दिन मरा जाता था कितने ही लोगों का कत्ल किया डाकनी की इसमतें लूटी दुनिया के अंदर फितना व फसाद बचाया, अल्लाह तबारक तला की बंदगी के लिए अहमत दीन की जिद्दहद के लिए तेरे पास कोई वक्त नहीं था उजरात पेश कर, किया करता था इसी मालो के लिए इसी सोने चांदी के लिए यही अपने बीवी बच्चों के फ्यूचर और उनके मुस्तबिल निगाहों के सामने यही माल है यही धन दौलत है यही सोना चांदी है बगैर किसी मेहनत तो और मशक्कत के जाकर के आज इसे हासिल कर नफसा नफसी की कैफियत हर आदमी चाहेगा कि आज अल्लाह और लिजा उसे बचा ले उसकी निगाहों के सामने उसके बच्चे भी होंगे उसकी बीवी भी होंगी वो उससे मुलाकात करेगी और कहेगी के दुनिया में क्या तुम मुझे पहचानते हो तुम मेरे शोहर थे रात और दिन तुम्हारा और मेरा एक साथ था बेशुमार तुम्हारे मेरे ऊपर एहसानात है आज मामला यह है कि मेरे शोहर नामदार एक नेकी की कमी एक नेकी अगर तुम मुझे दे दो मेरी मफ्रत का मामला हो जाएगा शोहर पलट करके कहेगा दुनिया में तुमने जो कुछ भी मेरी खिदमत की है आज मैं उसका सिला नहीं दे सकता आज मैं खुद परेशान हूं आज मुझे खुद एक एक नेकी की जरूरत है गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास इंसान का हिसाब किताब लिया जा रहा होगा उस वक्त इंसान कहेगा, कहेगाई कुंतु तराबा। काश के मैं पैदा ही नहीं किया जाता काश के मैं मिट्टी बना दिया जाता ताकि आज के इस हिसाब किताब से मैं बच जाता भाई खूल आ रही तो नहीं तो नहीं हयाती वो मेरी जिंदगी आखिरी जिंदगी होती ताकि आज के इस हिसाब किताब से मैं बच जाता काश मैं आने वाली जिंदगी के लिए कुछ किया होता औरत के सामने हाथ जोड़ेगा फसएगा अल्लाह तुबारक से अर्ज करेगा या अल्लाह एक लम्हे के लिए तुम मुझे जिंदगी दे ताकि मैं दुनिया में जाऊँ और जा करके सुबह अल्लाह कह लूँ ताकि मैं दुनिया में, में जाऊं और जाकर के एक हरी ज़मीन में गाड़ू और उसका आज मेरे आमाल में दिया जाए आज हम जिंदगी को किस तरीके से गुजार रहे हैं रुफा कर हमें गौर करना चाहिए अभी हमारे सामने बात आ रही थी पिछले चंद महीनों में पिछले चंद दिनों में पिछले हफ्ता और आज सुबह से लेकर अब तक कितने ही रुफा कराम को हमने अपने कंधों पर उठाया और अपने हाथों से मनोमन मिट्टी के अंदर दफन कर दिया सब रस्तान से बाहर निकलते निकलते हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें भी इस मिट्टी के अंदर आना है कल अल्लाह तबारक हुजूर मुझे और आपको भी हिसाब किताब देना है अल्लाह तबारक तला ने मुझ पर और आप पर जो इनाम किया है शहद दी तंदुरुस्ती दी और जिंदगी की नमत दी रमजान मुबारक जैसे बाबरकत असर मुझे और आपको आए हैं ये ये आखिरत के साल हाँ साल से हम पढ़ते हैं सुनते हैं इसके दुरुस्त देते हैं इन इन पर हम तकारी करते हैं खुदा की कसम अल्लाह तबार को तला अगर हमारे दिलों के ऊपर असर न करे आज की रात

रातों में रात भर बैठ करके अल्लाह तबारक अस्कार करते रहिए ये आयात अगर हमारे दिलों के ऊपर असर न करें जो अहद हमने इस तहरीक से बांधा है वहादा का ना मसूला इसकी पासदारी ना करें अल्लाह तबारक से इस अहद की पासदारी ना करें अमती दीन के लिए अपने अपनी सलाहियतों को और अपनी जानों और बालों को ना लगाएं तो रोजा क्यामत सिवाय पछताने की कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है अल्लाह फरमाते हैं कुरान तुम तुम पढ़ते रहो तुम सुनते रहो दुरुस्त सुनते अगर तुम्हारे दिलों के ऊपर इसका असर ना हो और असर के नतीजे में तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली वास्ते ना हो तो फिर अल्लाह तबारक तारा तुम्हारे दिलों के ऊपर मोहर लगा देगा तुम्हारे कानों के ऊपर पर्दा पड़ जाएगा और रोजा अल्लाह तबारक तारा मुंह केवल घसीट करके तुम्हें जहन रसीद कर देगा यकीन हम अपने जबानों से अल्लाह तबारक की इन तालीमत का इनकार नहीं करते लेकिन अभी मौलाना फरमा रहे थे माँ बाप की खिदमत के मामले में अखामत दीन की जिदोजहद में अपने औकात और सलाहियतों को लगाने के मामले में अगर मेरा अमीर मेरा जिम्मेदार मुझसे अगर वक्त मांग रहा है ये हीले हवाले करना अपनी जानों और अपने मालों को बचाने की फिक्र करना उस रात का पेश करना वह सवाजर तो हम अमलम तुजर हम की तारीफ में आता है अल्लाह तबारक तला की इन तालीमत का इनकार की तारीफ में आता है हजरत, आज मेरी जान मेरी आंख बंद हो गई मेरा नाम आमाल बंद हो गया मेरे लिए क्यामत बपा हो गई मेरे लिए मंजर क्यामत वाक हो गया जो मौका मुझे और आपको अल्लाह हरबुल इज्जत में दे रखा है हजरत गिरामी हम जिस अहद के पाबंद हैं हम जिस हकीम को पढ़ने समझ करके इस जमीन पर नाफि करने के आय से इस तहरीक से जुड़े हैं इसकी बाजदारी मेरे और आपके कंधों पर आयद होती है ये काम अगर हम नहीं करेंगे और इस हालत में बुलावा आ जाए मौत वाक़ हो जाए और अल्लाह तबारक ताल के पास हम पछताएं और हाथे मलें दोबारा ज़िंदगी की मोहलत तलब करें कोई मोहलत हमें मिलने वाली नहीं है मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक ताल अमल की तोहफी खतः फरमाए हमारे कंधों पर जो भारी जिम्मेदारी दीन की खामत अल्लाह तबारक ताल की तालीमत को अपनी जिंदगी के अंदर अमल में लाना और अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करने की अल्लाह अरबुल्जत ने हमें जिम्मेदारी दी है मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताली हमें उस जिम्मेदारी का हमें इस जिम्मेदारी को अदा करने की तोफीक़ा फ़रमाए अल्लाह तबारक तुरन को पढ़ने समझने गौरव फ़िक्र करने और उस पर अमल करने की तोफ़ी खैर अत फ़रमाए रबाना तखबल सीबारम वरहमत लाबरक